अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इवनिंग स्नैक्स रेसिपी, मूंग दाल के पकोड़े। तो हम जो है मूंग दाल को थोड़े घंटे पहले ही भिगो के रख लिए थे, अब इसको हम एक जार में लेके ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हम दर दरा इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब ले लिए हैं फिर से एक जार, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून काली मिरी, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हम इसको ग्राइंड किया हुआ पाउडर जो है हम इसके मूंग दाल के पेस्ट में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट और प्याज, कैप्सिकम, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, और थोड़ी सी मूंग अब इसमें हम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 स्पून फुल राइस फ्लोर, चावल का आटा। अब चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अब जो है हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। हम इसको ज़्यादा जलने नहीं देंगे, मीडियम फ्लेम में रख के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये लिटिल ब्राउनिश नहीं हो जाते हम इसको अच्छे से पका के निकाल लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब इसके बाद हम लेंगे 3 4 हरी मिर्च और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मूंग दाल के पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह क्रिस्पी और बिना जले एकदम बहुत ही अच्छे लिटल ब्राउनिश बनके फ्राई हुए हैं और इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।